बेटे माज कर दी, माज कर दी वाह बेटे वाह। तो आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं, लेकिन मेरा नाम मैग्निक है। बहुत दिन बाद इसलिए कि मेरा तबीयत ना इस साल कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। मतलब तो एक दिन सही रह रहा है, दूसरा दिन तबीयत खराब हो रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं मेरा गला बैठा होगा। तो इस गेम प्ले में हम उतरते हैं तो स्कूल में, तो उसके बाद रोजॉक आते हैं। तो रोजॉक में बहुत चच्चा मिलते हैं, कोई बंदा उंदा उतरा था नहीं ना स्कूल में ना रोजॉक में। तो इनको थोड़ा सा हेलो हाउ डू यू डू बोल के इनसे M4 उठा लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पोचिंग की। पोचिंग की में एकदम दूर दराज वाले इलाके में हो रहा था बमबाजी गोलीबारी। तो हम बोले ऐसे कैसे अकेले अकेले तुम लोग फाइट लोग, हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग का इंतजार करो थोड़ा, किल उल बचा के रखो। यहाँ किल बचाने का कोई सिस्टम है नहीं, सब एक दूसरे को मार पीट दे के स्क्वाड बचता है लास्ट में। तो हम लोग धीरे धीरे क्लोजिंग। तो इतना देर में उनको यहाँ से फुटस्टेप आता। हम बोले यहाँ कौन चच्चा बैठे हुए? तो यहाँ पे कोई भी इधर ऐसे वैसे चच्चा नहीं बैठे थे, यहाँ बैठे हुए थे बहुत चच्चा। हमको बंदा लग रहा था, अचानक कूदे हम डर गए पूरा। बहुत चच्चा को हेलो बोल के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते जहाँ बंदा खोज ही रहते, एक बंदा पीछे था, हम इनको देख लिए। जैसे आगे बढ़े बोले आओ ओपन बाबू, ओपन में आया। इनको ओपन करके घर भेज दिए एकदम लॉबी में। इसको सबसे पहले हम ओपन में लूट रहे थे एकदम लेट के, तो ख़त्म है। उसका बाद क्या होता है कि उधर ट्रैक्टर साइड आ जाता है स्क्वाड। हम यहाँ क्या करता है कि हम एकदम तेज़ी से भागते हैं स्पीड हैक लगा के। हमें टीममेट ने यहाँ नॉक कर देता है एकदम बढ़िया से। तो हम बोलते हैं रुको बाबू, हम एक बार ही स्क्वाड हाउस में पहुँच गए तो फिर तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। तो यहीं पूरा एकदम चढ़ते हैं। तो यहाँ हमको एक और बॉट चच्चा मिलते हैं। तो हम बोले भाई टीममेट मरे लेकिन हम बॉट पहले मारेंगे। देख रहे 3 बॉट टोटल मार दिए, मतलब केडी मेंटेन बॉट ही करवाता है कुछ भी बोलिए। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़े कि मैंने टीममेट को फिनिश कर दिया, बदला प्रतिशोध प्रतिष्ठा सब लेना था। तो एकदम तेज़ी से बढ़ते हैं हम। यहाँ देख रहे थे कि आराम से रिवाइव दे रहा है, पहले हम मारे फिर रुको रुको रिवाइव दे देते दे तो किल मिलेगा। लेकिन फिर हमको मेरे तरफ मुड़ गया, हम बोले रुको मार देते हैं। उसके बाद यहाँ गाड़ी लेके इधर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे 2 बंदा ओपन ए में खड़ा है। हम दनादन गोली मारे आ रहे हैं। ईच इस सीन के लिए एकदम लाइक मार देना, एकदम जबरदस्त ठोकना लाइक है कि दोनों बंदा को ऐसा नॉक मारे है ना कि अपना नानी मौसा मौसी सबको याद कर दिया हो। फिर हम भी तेज़ी से बोले अरे भैया जो हम नॉक किए उसके बाद कोई सीने नहीं इतना बढ़िया नॉक डाले, पूरा इसका खानदान रो दिया होगा ऐसा नॉक का बात। तो बंदा लोग को खोज रहे हैं, लोग अचानक देख रहे गायब हो गया। हम बोले अरे जादू ऐसा जादू है भाई, कहाँ चल गए तुम लोग? हम अंदर भी देख रहे हैं अंदरों नहीं मिल रहा। हम बोले बेटा ये लोग कहाँ चल जाएगा? हम फिर बोले जाने दो भैया, जो एक बंदा बचा है घर में इसको खोजते हैं। अब फुटस्टेप आ गया एकदम ऊपर बैठल था। यहाँ देखो पूरा दनादन फ्री फाड़ दिए कि बाबू तुम यहाँ हो गए तो निपटोगे। एकदम जंप एंड शूट देख रहे ये, लेकिन ऑफलाइन था कोई फर्क नहीं था, आराम से इसको मार दिए। उसका बाद देखे यहाँ जो स्क्वाड था वो भी हम लोग को देख के भागा भागी शुरू कर दी। ईद बंदा एकदम 1 HP बच गया कूद खाद के। बोले ठीक है भैया तुम बच तो गए हो, अब इतना देर में क्या हुआ हम फ्लैंक ले लिए रोटेशन में एकदम। बोले रुको भैया तुमको हम बताते हैं, तुम बहुत होशियार बन रहे हो ना, ऊपर से पूरा चलाया जा रहा था तुम दनादन गोली। हम इधर से मेरा टीममेट कवर दे रहा था, हम एकदम चले जा रहे थे आगे कि इसको रुको बताते हैं, बंदा को वो स्पॉट हो गया था। तो यहाँ आए गाड़ी के पास बैठ गए, हम देखे अच्छा ये भैया ओपन में लेट गया, ये लेट गया था ओपन में, वैसे उठ के गया। हम बोले बाबू टाटा बाय बाय सी यू। उसका ध्यान से जोन आ गया, हम बोले भैया जोन में चलो। एकदम गाना गाते हुए रास्ते में आ रहा था, भेलपूरी खा रहा था, करते करते हम लोग गए जोन में। जोन में एंटर करते तो आगे देखते यू है, तो बोले रुको चाचा रुको हम लोग को भी उठा लो जरा। बोलता नो नो आई एम मैड। तो हम बोले ठीक है भैया तुम पगलाओ हम चलोगे जा रहे हैं। तो वो गाड़ी वाला हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे कि ब्रिज क्रॉस करे, वो लोग पीछे साइड से गोल घूम के इतना लंबा रोटेशन लेके गया। हम बोले भैया क्या जरूरत था? उसके बाद हम लोग ज़्यादा देरी नहीं किए और आ गए जोन में। यहाँ रोकने का तो कोई बात ही नहीं था, ये पता नहीं मेरा टीममेट में सस्ता नशा का मेंटोस गोली ला के बैठा हुआ था, यहाँ रोक दिया। हम बोले गोली मत चलाना ऊपर, ये जैसे गोली चलाया तो हम भी गोली चलाने लग गए कि एक आध नॉक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बोले अब तो फंस गए भैया, बोलो हाइयर ऑल्टीट्यूड है, हम लोग भागने का कोई जगह नहीं है। इतने देर में टीममेट को पड़ता है टक से ओम का शॉट। अब इसको बोले ही तो देखो कहाँ जाके नॉक हुआ, मतलब बताओ उसको वहाँ जाने कौन बोल रहा था, क्या फायदा होता वहाँ जाके, वहाँ जाके वो क्या कर लेता।
हम इसको स्मोक वोक किए कि बच जाए, लेकिन इसका किस्मत है खराब था। एगो हेडशॉट खाया है, उसके बाद वापस नॉक पोजीशन में भी दूसरा हेडशॉट खा जाता है। बोले भाई अब तो तुम नहीं बचने वाले। बस उसका क्या करता है, लोग फ्री फायर देता है कि इसका टीममेट यहाँ होगा तो भी नहीं पड़ जाए। लेकिन हम भी चालाक आदमी थे, हम बोले रुको अब हम अपना टीममेट का क्रेटे लूट के जाएंगे। आराम से लूटा लूटी किए, हम बोले बाबू यहाँ रहना ज़्यादा देर ठीक नहीं है, क्योंकि बंदा लोग बहुत एग्रेसिव मूड में लग रहा है। तो इतना देर में क्या किया, अपना गाड़ी लिया दना दन, बोले चलो भैया घुमाओ इसको फटाफट, नहीं तो ये लोग मेरा का भुर्जी भरता बना के रख देगा। तो घुमाए हम गाड़ी लेके, हम बोले रुको ये कंपाउंड में जाते हैं, कंपाउंड में कोई अगर बंदा रहा तो उसको निपटाएंगे, नहीं तो यही पोजीशन बहुत अच्छा है। तो इधर कंपाउंड में आए, हमको लग रहा था जोन भी यहीं बनेगा, एकदम कंपाउंड में आकर ठोकते हैं। किस्मत इतना ख़राब कि यहाँ जोन बनता नहीं है, बोलते हैं वापस चलना पड़ेगा। अब बंदे के लोग के तरफ जोन बन गया था, बोले किस्मतें ख़राब है भैया। तो यहाँ चेक उक करते हैं, कोई मेरे पे हार्ड पीक उक लेकर नहीं बैठा हो कि साला गाड़ी में बैठे हैं चिपका दें हमको कोई। तो सब चेक करने के बाद एकदम फटाक से गाड़ी में बैठते हैं, उसको बोलते चलो। अब रिस्क तो था ही, क्या सामने से आ रहे थे, मार सकता था, लेकिन यहाँ आके रोकते हैं। हम सोच रहे ये लोग आपस में लड़ने में बिजी होगा, हम आगे फ्लैंक मारते हैं, देख रहे हैं हम ही पे गोली चलना शुरू हो गया। हम बोले भैया सांस ले लेना तो हमको जरा, तो आगे स्मोक करते कि साला आगे से कोई हमको ना मार दे, ये बंदा हमको दिख रहा था। तो हम स्कोप खोल कर रैंडम फायर दिए, एक को गोली नहीं लगा। अब हम बोले हम स्कोप खोलेंगे ही नहीं, साला ऐसे ही मारेंगे उसको, ऐसे ही उसको गोली लग जाता है। उसके बाद वापस स्कोप खोल के ऐसे रैंडम एडजस्ट करके मारते हैं, मर जाता है। हम बोले बहुत अच्छा किस्मत चल रहा है। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ से अचानक बंदा निकलता है, हेलो। फिर हम लोग दोनों में थोड़ा स्प्रे आबाजी होता है, ये बंदा हमको मार देता है। बंदा को हम लो बहुत कर दिए थे, लेकिन साला मार दिया हमको। यहाँ थर्ड होते हैं, यहाँ गेम खत्म हो जाता है। अब बताना कैसा लगा गेम प्ले, और लाइक शेयर करो।